अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ। पिटीशा मैं कुंडी लगा रही हूँ। ओके तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसमें पता है क्या होगा, हम एक खुद का म्यूजिक बैंड बनाने की कोशिश करेंगे। म्यूजिक बैंड कैसे बना सकते हैं, लेकिन किस 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 के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, पर हम घर बैठे पता है ड्रम भी बजा सकते, गिटार भी बजा सकते, तबला भी बजा सकते, आपको जो भी मन करता है ना वो आप बजा सकते हो घर बैठे। हम स्क्रैच हो जाएंगे और ऐसा स्प्राइट को नहीं बजाना, हमको खुद बजाना है, अपने हाथों से हम बजा के दिखाएंगे। आज देखते हैं चलो कैसे करते हैं उसको। ठीक है, पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ, फिर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कीर्ति स्क्रीन दिखना चालू हो गई ना? हाँ दिख रही है प्रॉपर। ओके एक मिनट में वापस से शेयर करता हूँ, शायद मैं साउंड शेयर करना भूल गया था। कंप्यूटर साउंड के साथ शेयर किया मैंने। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब सोचो कि मुझे हमको खुद अपनी इमेज खुद देखनी है, हमारे वेबकैम के इमेजेस वहां पे दिखाई दे बैकग्राउंड में, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कुछ करना होता है। तो हमको यहाँ पे एड ब्लॉक में जाके ये जो नीचे ऑप्शन आता है ना एड एक्सटेंशन, ये एड एक्सटेंशन में जाके सबसे पहले तो वीडियो सेंसिंग वाला एक्सटेंशन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑन हो गया, उसके बाद एक और एक्सटेंशन लगेगा पर हम वो बाद में लेते हैं, पहले हम वीडियो एक्सटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो सेंसिंग एक्सटेंशन में सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, व्हेन वीडियो मोशन इज मोर देन 10। तो अभी मुझे अपना जूम का वीडियो बंद करना पड़ेगा ताकि मैं स्क्रैच का वीडियो ऑन कर सकूं। When video motion is more than 10, ये 10 का मतलब क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जूम पे मैं ऑलरेडी आपका कैमरा यूज कर रहा हूँ ना, शायद इसलिए यहाँ पे हो नहीं रहा है। मैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए। आपके इसमें तो चलना चाहिए, ये जूम की वजह से प्रॉब्लम आई है। वीडियो सेंसिंग हाँ ऐड किया, देखो चालू हो गया ना, ये बैकग्राउंड में मेरा इमेज आने लगा यहाँ से, जो कंप्यूटर का वेबकैम है ना लैपटॉप का उससे ये ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा ब्लॉक लिया, व्हेन वीडियो मोशन इज मोर देन 10। तो ये 10 का मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब वीडियो में कुछ मोशन हो रहा है, जब हम कुछ चला रहे हैं ना तब कुछ होना चाहिए। तो हम सबको सिंपल कर देते हैं कि जब भी वीडियो में कुछ भी मोशन हो रहा है तो उसको 10 स्टेप्स आगे चलना है स्प्राइट को। देखो अभी मैं जो मेरा माउथ का भी जो मोशन हो रहा है ना सिंपल सिंपल सा, उससे भी वो आगे जा रहा है, जैसे हाथ से टच कर रहा हूँ तो भी आगे जा रहा है। मैंने तो ऐसे कुछ भी कमांड नहीं दिया कि क्या करना है, सिर्फ मैं उसे टच कर रहा हूँ तो वो आगे बढ़ता जा रहा है, स्प्राइट आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक काम करते हैं कि वीडियो मोशन को जीरो कर देते हैं, क्या होगा, तो बिना कुछ करे आगे बढ़ रहा है वो, हल्का सा भी अगर एक तिनका भी एक डस्ट पार्टिकल भी हिल गया ना तो भी स्प्राइट आगे बढ़ जाएगा अभी। अब एक काम करें,
इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू 100 आ सकती है, तो हम 95 डाल के देखते हैं। अगर 95 डाल दिया तो फिर क्या होगा? तो हो ये हिल ही नहीं रहा, ऐसे धीरे धीरे टच कर रहा तो नहीं हिल रहा, बहुत सारे ऐसे ऐसे से मारना पड़ रहा है उसको, तब जाके हिल रहा है वो। देखा आपको? उसको ऐसे मारेंगे तो ही हिलेगा। वापस भाग गया, उसको वापस से पकड़ के लेके आता हूँ। देखो अभी मैंने मोशन बहुत ज्यादा कर दिया ना, ऐसे थोड़ा सा टच करूंगा ये हाथ से तो नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा देखो टच। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे मारो तब भाग रहा है वो, एकदम उसको मार के भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गया आप लोग। अब वीडियो सेंसिंग में एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, सेट वीडियो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और वीडियो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं कि व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, फ्लैग क्लिक करेंगे ना तो तब वीडियो ट्रांसपेरेंसी करना है। इसकी भी वैल्यू 0 से 100 हो सकती है। अगर मैं 100 रखता हूँ तो क्या हो रहा है, क्या हुआ, वीडियो गायब हो गया। जब मैंने उसकी वैल्यू 100 रखी तो वीडियो गायब हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू 50 रख के देखते हैं। फ्लैग क्लिक करेंगे, क्या हुआ, देखो मेरा थोड़ा सा ब्लरी फेस दिख रहा है ना, ऐसा पूरा पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, हल्का हल्का सा व्हाइट की क्लियर दिख रही है उसके ऊपर। अब मैं वीडियो ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देता हूँ। 0 करने पे क्या होगा, पूरा क्लियर दिख रहा है, जैसा एक्चुअल में वीडियो दिखता है ना वैसा हो गया। और ये वीडियो मोशन को भी जो इसकी 10 वाली वैल्यू थी ना वो अच्छी है, उसमें वो अच्छे से चलता है। देखो मैं उसको पकड़ पा रहा हूँ ना अच्छे से। ओके, अब एक और एक्सटेंशन ऐड करते हैं। ये दो तो हमारे एक्सटेंशन हो गए, अब हम लोग एक और एक्सटेंशन लेके आते हैं। ये जैसा वीडियो एक्सटेंशन लेके आए थे ना, ऐसे हम दूसरा एक्सटेंशन जो है ना म्यूजिक वाला लेके आ रहे हैं। ये म्यूजिक वाला एक्सटेंशन लेके आ गए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मैं बजा सकता हूँ, पर कैसे बजाऊं, पहले मुझे ये स्प्राइट नहीं चाहिए, मुझे इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं अभी तो। हम मुझे तो कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ जरा। मैं गया और ये यहाँ पे म्यूजिक ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, म्यूजिक में गया, इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। मुझे तबला अच्छा लगता है, चलो मैं तबला ले लेता हूँ। ये तबला है ना, इसकी साइज थोड़ी छोटी है, इसको बड़ा कर देता हूँ, 100 से इसको 300 कर देते हैं। बड़ा सा तबला आ गया मेरे सामने, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। तबला आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से वीडियो सेंसिंग में हमें पहले क्या करना था, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, वीडियो सेंसिंग में हमको ट्रांसपेरेंसी को क्या करना है, 0 कर देना, ताकि हमारा फेस क्लियरली दिखाई दे। आपको छुप के बजाना है तो वैसा भी कर सकते हो, आप उसको 100 सेट कर दो तो आपका फेस ही नहीं दिखाई देगा, आप पर्दे के पीछे से बजा सकते हो। और फिर हम म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हमको क्या करना है, When video motion is more than 10, अगर वहां पे video motion हो रहा है तो हमको प्ले करना है। क्या प्ले करना है, यहाँ से मैं प्ले वाला ऑप्शन लेके आया, प्ले प्ले प्ले, तबला ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें बेस ड्रम ही बजा लेते हैं इसकी जगह। और एक और काम करते हैं, मैं एक और स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ म्यूजिक में से जाके। सपोज ये सिंगर है, अगर सिंगर को टच किया ना तो क्लैप करेगी, देखना। तो व्हेन वीडियो मोशन इज मोर देन 10, तो मुझे क्या चाहिए, प्ले ड्रम। कौन सा ड्रम चाहिए हमें, हैंड क्लैप। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता हूँ। सबसे पहले इसको बड़ी स्क्रीन पे ले लिया मैंने, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो फ्लैग बटन है उसको दबाना रहेगा हमें। फ्लैग बटन को दबाया, अब
आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, उसकी भी ऑप्शंस यहाँ से कर सकते हो आप। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपको। ओके, तो समझ में आ गया। अब एक काम करता हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब आप लोगों के क्वेश्चन सुनते हम लोग। जैसे ही जल्दी जल्दी से स्कूल लगेगा ना, हम लोग फिर हम मिलेंगे, जैसे सर ने बोला ना, सब लोग सारा खेलेंगे। हाँ, आप तो पता है हम लोगों ने इतने दिन से खेला नहीं ना, और इतने ग्राउंड की जो ग्रास है ना वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो सबसे पहले आके वहाँ की थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फील्ड में तो फुटबॉल भी खेल सकते, अब तो इतनी बड़ी ग्रास हो गई है। हमारा ऊपर का स्कूल जो थोड़ा सा बनने वाला था ना, वो भी नहीं बन पा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ईयर बना लेंगे। अभी काम रुक गया वहाँ पे। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय बाय। ओके बाय एवरीवन। बाय 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 सर। बाय।